हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम CCNA सीरीज जिसका कोड है 200-301। जैसा कि हम जानते हैं कि CCNA सिस्को का एक बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन है जिसमें हम नेटवर्क की दुनिया को वेलकम करेंगे जी। CCNA जिसकी अब्रिवेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, तो हमारे लिए सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द नेटवर्क। अगर यही हम व्हाट इज़ द नेटवर्क गूगल पे लिख दें तो हमारे पास कई लोगों की, कई ऑथर्स की डेफिनेशंस हमारे सामने आएंगी जी। जब हम नेटवर्क की मुख्तलिफ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सेम ही वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स, बहुत सारी डिवाइसेस का इकट्ठा होना, कनेक्ट होना। अब हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को, मुख्तलिफ नोड्स को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारा पर्पज़ होगा कि हमने इन डिवाइसेस की, इन नोड्स की क्या करवानी है? कम्युनिकेशन करवानी है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हेलो गाइस, हाय। तो जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से हेलो चिट चैट करता है तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान क्या हुई? कम्युनिकेशन हुई जी। कम्युनिकेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं जी। एक कम्युनिकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। एक कम्युनिकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। और एक कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट क्या है जी? यूनी का मतलब वन, वन टू वन जो कम्युनिकेशन होगी वो आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन होगी? यूनिकास्ट। तो जब हम बात करें कि वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है तो हम कहेंगे ये कम्युनिकेशन किस टाइप की हो रही है? यूनिकास्ट हो रही है जी। और जब हम कहेंगे कि वन टू ऑल तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन की जो टाइप है वो क्या है? ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास के अंदर एक से 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं किसी एक के साथ कम्युनिकेशन करता हूं, किसी एक के साथ कम्युनिकेशन करता हूं, तो इट मींस ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है? यूनिकास्ट। और अगर मैं 50 के 50 लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है? ब्रॉडकास्ट। अगर मैं कम्युनिकेशन करूं 2 से लेकर कहां तक? 49। अब जो 2 नंबर है ये यूनी नहीं है, और ये जो 2 नंबर है ये ऑल नहीं है। इसी तरह अप टू 49, 49 भी सिंगल नहीं है, 49 भी ऑल नहीं है। तो मैं एक से ज़्यादा लेकिन 50 से कम जितने भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करूँगा दैट इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट। तो कम्युनिकेशन के अंदर हम यूनिकास्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर हम मल्टीकास्ट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के अंदर हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जी। अब कम्युनिकेशन करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या दरकार है जी? हमें मीडिया दरकार है जी। मीडिया जो कि हमारे पास दो तरह का होता है जी। एक मीडिया की शक्ल क्या है? गाइडेड मीडिया। और एक मीडिया की शक्ल क्या है? अनगाइडेड मीडिया जी। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो कि वाइड मीडिया कहलाता है जी, जो कि क्या होता है? वाइड मीडिया। और डेफिनेटली आपको पता है आजकल वायरलेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपका जो वायरलेस मीडिया है वो क्या कहलाता है? अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन के लिए आपका मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसकी फॉर्म गाइडेड हो,
चाहे उसकी फॉर्म अनगाइडेड हो। गाइडेड मीडिया आपका वायर्ड मीडिया होता है और अनगाइडेड मीडिया आपका वायरलेस मीडिया होता है जी।